हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, हम डिस्कस करेंगे हमारे हैंड ब्रेक्स को लेके, या जो आप पार्किंग ब्रेक बोल सकते हो। अभी आप लोगों ने मेरे को एक चीज़ मेरे को बताना, कभी आप लोगों ने ऐसी कभी मतलब एक्सपीरियंस फील किया है कि आपने जो है बैठे गाड़ी चलाई और निकल गए, लेकिन आपने बाद में ऐसा फील किया कि आपका जो पार्किंग ब्रेक है, ये जो हैंड ब्रेक है, ये आपने रिलीज ही नहीं किए, ये मतलब एंगेज ही है, ऊपर ही है। कभी अगर ऐसा आपने किया है, कभी गलती से हुआ है ना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बाद ज़रूर बताना। या कभी कुछ इसके बाद कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, या नॉर्मल जो है सब कुछ सेटल डाउन हो गया। अभी देखो, जो इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पस है ना भाई, वो एज अ जो फ्रेशर जो न्यू ड्राइवर होते हैं ना, ये बेसिकली उनके लिए ही है। देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार गलती नए ड्राइवर ही करें, कभी कभी क्या होता है भाई, एक्सपीरियंस ड्राइवर पुराने ड्राइवर जो होते हैं ना, उनसे भी मिस्टेक हो जाती है। मेरे से भी एक बार हुआ था, बट वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ था। जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैं कुछ मतलब 10-20 मीटर के करीब चला और मुझे एकदम समझ में आ गया, मेरे को कुछ गड़बड़ है। तब मैंने देखा और ब्रेक जो है मैंने हैंड ब्रेक वो नीचे रिलीज की। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ रुका, आपको सपोज करो यहाँ गाड़ी रुक के जाना है, ठीक है। अभी आपने हल्का सा खींचा, एक तो ये हो गया, और एक होता है पूरा ऊपर तक खींचना, ठीक है। अब मान लो सपोज करो आपने ये इतना हल्का सा खींचा हुआ है, ठीक है। अब अगर हल्का सा आपने खींच के, अब देखो अभी आप गाड़ी चलाओगे, ये देखो चलाई गाड़ी जो है ये चलने लगी, गाड़ी चलने लगी। मुझे लिटरली बताऊं, फील भी नहीं हो रहा है कि इंगेज है जो मेरा हैंड ब्रेक या नहीं, ठीक है। अब जो है देखो, इसके अंदर एक चीज़ है, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको ना गाड़ी जो आप एक्सेलेरेट करते हो ना, गाड़ी जिस स्पीड से आप गाड़ी खींचते हो अपने फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, आपको पता लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, या तो हवा कम है, मतलब एक जनरल थॉट बता रहा हूँ क्या मन में आएगा, या कहीं ना कहीं कुछ पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। अगर सपोज करो आप ये सब चीज़ भी नहीं ध्यान दे पा रहे हो ना, तो भाई देखो सामने डैशबोर्ड में ना लाइट जलती हुई दिख रही होगी आपको, थोड़ा सा कर देता हूँ, अगर दिख रही होगी आपको रेड कलर की ये जो लाइट है, ठीक है। अब ये जो रेड कलर की जो ये लाइट आनी ना, ये मेल फंक्शन की लाइट है, ठीक है। अब ये मेल फंक्शन की लाइट, अभी मैं इसको नीचे कर देता हूँ, एक आराम से आपने नीचे किया और हो गया काम, ठीक है। अब ये जो लाइट है ना, ये हैंड ब्रेक के लिए तो है, साथ में अगर कुछ ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ इशू होता है ना, उसके लिए भी ये ग्लो हो जाती है, बराबर। अब सपोज करो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस चलाया या थोड़ा सा और भी चलाया, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो हैंड ब्रेक था वो फुल इंगेज नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा इंगेज था, आपने नीचे किया और हो गया काम। अब देखो सपोज करो आपने हैंड ब्रेक पूरा ऊपर तक खींच लिया, हैंड ब्रेक खींच लिया ऊपर तक। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना यहाँ पे ये चला के भी आपको दिखाऊंगा कि इसको जो खींचने में ना कितना जोर लगता है, अगर मैं ये पूरा का पूरा जो हैंड ब्रेक है इसको मैं इंगेज कर देता हूँ। तो अब सपोज करो मैं गाड़ी रोकी और मैंने अपना हैंड ब्रेक पूरा खींच दिया, अब हैंड ब्रेक पूरा खींच दिया, आप आए गाड़ी स्टार्ट करी, और देखो ये गलती ना कब कैसे हो सकती है, देखो बिगनर के केस में तो चलो हो सकती है, एक्सपीरियंस के केस में मैं कैसे आपको बता रहा था कि कई बार क्या होता है, हम फोन पे लगे रहते हैं, या कभी कभी क्या होता है माइंड डिस्टर्ब होता है, या हमारे ध्यान नहीं होता, गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ते, ठीक है। अब मैं देखो, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, या आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आप कहोगे यार गाड़ी क्यों नहीं खींच रही है, गाड़ी खींची नहीं थी, गाड़ी रुकी हुई, ऐसा लगता है पीछे से किसी ने पकड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे जब नया ड्राइवर बैठेगा ना, वो शायद इतना कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा भाई, देखो गियर डालेगा और ए देखो भाई साहब गाड़ी पे इतना जोर पड़ रहा है ना, लिटरली मैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इसको चलाऊं आगे, डेमोस्ट्रेशन ओढ़ दूं। अब क्या करो, देखो सबसे पहले तो मैं इसको रिलीज कर देता हूं, आप बताता हूं। अब देखो भाई, जैसे ही आपने इतना इसको हार्डली खींचा और आपने एक्सेलेरेट किया, तो भाई तभी एकदम ना थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए भाई कुछ गड़बड़ है, या तो हवा वगैरह निकल गई है टायर की, या कुछ है। अगर सपोज करो आप निकल के ऐसे गाड़ी खींच कर ले जा रहे हो ना, उसका भाई देखो सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होगा, ऐसे लॉन्ग टर्म पर अगर आप इसको गाड़ी को बिल्कुल खींच के ले जाओगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज करो आपने फील किया कि भाई गाड़ी का जो है ना ये जो हैंड ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है, और आप इसको भाई लेके बहुत दूर तक खींच के, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा भाई, कि आपका जो अंदर पीछे जो रेयर में या तो ड्रम ब्रेक है या डिस्क ब्रेक है। अब ये जो होता है ना, ये मैकेनिकल सिस्टम होता है, ठीक है, एक लीवर के थ्रू एक केबल के थ्रू आपका जो ब्रेक होता है वो अप्लाई किया जाता है, बराबर। अब होगा क्या कि आपका जो पीछे रेयर में या तो ड्रम ब्रेक है या डिस्क ब्रेक है, वो इतना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे ना, क्योंकि वो तो अप्लाइड है, तो अब चक्कर क्या होगा भाई कि जब आप इसको खींचोगे ना, तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा इसमें, और फ्रिक्शन क्रिएट होने के कारण क्या होगा भाई, आपका जो पीछे जो पूरा का पूरा जो आपका एलॉयज होगा, या जो आपका पूरा का पूरा जो आपका स्टील व्हील वगैरह होगा, अब वो क्या होगा, वो हीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इतना हीट करना शुरू कर देगा, वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी गाड़ी अप्लाइड ब्रेक में कितने जो है वो आपने यूज किया। अगर भाई आपने लेके उसको खींच के कई किलोमीटर तक, तो भाई बहुत ज्यादा घबराने
वाली बात है और चिंताजनक बात है। तो भाई देखो, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको जैसे रिलीज होगा ना कि भाई गड़बड़ होगी है यहाँ पे, अभी मैं जो है लगा लूँगा ये जो सीट बेल्ट है, तो अगर आपको लगा ना कि भाई ये तो गलती हो गई है, तो सबसे पहले क्या करना, रुकना, अपना जो हैंड ब्रेक है ना उसको आप अप्लाइड करना, और अप्लाइड करने के साथ ही साथ आप एक बार देखना, पहले तो वहाँ पे देख लेना मीटर में, वहाँ पे मीटर कंसोल में वो लाइट आ जाती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई ऐसी गड़बड़ होगी है, तो सबसे पहले उतरना और यहाँ देखना, इधर यहाँ पे देखना, कुछ बर्निंग स्मेल तो नहीं आ रही है, कुछ धुआं वगैरह तो निकल रहा है। अगर आप हाथ लगा के देखोगे ना, कुछ गर्म तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनती है ना, तो भाई सबसे पहले अपनी गाड़ी को साइड में लगा देना और थोड़ी देर ना क्या करना, वेट करना, वेट करना कि आप उसका जो टेम्परेचर है ना, वो जो इतना गर्म हो गया था कि वो गर्म हो गया था, उसको जो है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो आप रुके, आपने देखा अगर बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, कुछ बर्निंग स्मेल वगैरह अगर आ रही है, तो भाई गाड़ी आप साइड में लगा देना और थोड़ा सा जो है ना वेट कर लेना। वेट किस चीज़ का, कि उसका जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, जब वो नॉर्मल हो जाएगा तब चला लें, ठीक है। और फिर जब आप गाड़ी चलाओगे ना भाई, तो चलाने के बाद थोड़ा सा ना देख लेना कि आपका ब्रेक वगैरह जो है वो सही से अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर मान लो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा फास्ट मत चलाना, या तो मैकेनिक से लोकल या जो आपकी वर्कशॉप है वहाँ दिखा देना। और दूसरा ये देख लेना कि आपकी जो पार्किंग ब्रेक है वो कुछ लूज तो नहीं है, सही से एंगेज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर ये गड़बड़ लगेगी उस चीज़ में, तो आप जो है ना अपने मैकेनिक से, मिस्त्री से वगैरह देख लेना, ठीक है। बट ऐसा कोई बहुत मतलब इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा, अनटिल अनलेस जो मैंने आपको भी बताया कि आप अपनी गाड़ी को बहुत दूर तक एक फुल एंगेज हैंड ब्रेक में आप खींच के नहीं ले जाते हैं, तो ठीक है। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।